Hello viewers, my name is Udesh Gupta from Sarthi Groups, the perfect home finder. आज मैं आपको जिस प्रोजेक्ट की वीडियो दिखा रहा हूँ उसका नाम है हॉटकेक। एक्चुअल में इसका नाम है एम्पीरिया, बट इसे कोड नेम हॉटकेक दिया गया है जेपी नॉर्थ के थ्रू। जेपी नॉर्थ इसे डेवलप करा है, लोकेशन है मीरा रोड। एंड बात करो इस प्रोजेक्ट की तो इसमें आपको ए टू जेड एमिनिटीज़ देखने को मिलती है। 3 acres का लैंड पार्सल है एंड क्लब हाउस स्विमिंग पूल आपको इसमें देखने को मिलता है। उसके अलावा मैनी मोर एमिनिटीज़ आपको मिल जाएगी। 2 बिल्डिंग का सेट है, एक में 1 and 2 BHK के ऑप्शंस है और एक बिल्डिंग में सिर्फ 1 BHK के ऑप्शंस है। एंड नाउ वी हैव ओनली 1 BHK ऑप्शंस लेफ्ट। बात करें लोकेशन की दोस्तों, तो लोकेशन आपका आता है विनय नगर। आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से कनेक्टिविटी जानना चाहें तो 4 minutes का डिस्टेंस आता है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से एंड 2 minutes का डिस्टेंस आता है आपको अपकमिंग मेट्रो स्टेशन से। आपके नियर बाय लोकेशन में आपको जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो आपको देखने को मिलती है, जैसे कि आपके स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए एंड हॉस्पिटल्स हो गए। ये सब कनेक्टिविटी आपको 2 kilometers के अंदर ही देखने को मिलती है एंड बहुत सारे स्कूल्स आपको देखने को मिलते हैं। सो, अभी तक हमने हॉटकेक के बारे में बात की, अब बात करते हैं जेपी नॉर्थ के बारे में, डेवलपर के बारे में। जेपी नॉर्थ ने अपना कुछ सालों में बहुत अच्छा नाम बनाया है, अपना एक ब्रांड बनाया है मीरा रोड में। बात करें इनके कुछ हिस्ट्री प्रोजेक्ट्स की जो इन्होंने मीरा रोड में खड़े किए हैं, वो है एस्टेला, अट्रिया, एलारा। ये 23-story टावर है जो इन्होंने कुछ सालों पहले डिलीवर किए हैं, 2 to 3 years पहले। एंड कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं इनके। एंड एम्पीरिया, जिसे हम लोग हॉटकेक्स के नाम से अभी बात कर रहे हैं, जिसके बारे में, इसके 2 towers ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है एंड बहुत ही अच्छे प्राइस में है। प्राइस मैं आपको डिस्क्लोज करूँगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। लेट्स चेक आउट द सैम्पल फ्लैट फर्स्ट। सैम्पल फ्लैट पे जब आप एंटर करते हो आपको ब्रास फिटिंग के डोर देखने को मिलते हैं। पूरे फ्लैट में आपको वेट्रीफाइड फ्लोरिंग देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं हर चीज़ के लिए एक प्रोविज़न दिया गया है। फॉर एग्जांपल आपके टीवी यूनिट के लिए आपको प्रोविज़न दिया गया है। टीवी के ठीक सामने आप अपना सोफ़ा प्लान कर सकते हैं एंड आपको पीछे साइड में आप अपने लिए एक डाइनिंग टेबल प्लान कर सकते हैं। तो उस तरह से डिज़ाइन एलिवेशन इस तरह से रखा गया है कि आप अपनी हर चीज़ें, आप हर सामान को एक प्रॉपरली प्लेस दे सके। इसमें एक चीज़ आपको दिखी है बालकनी, जो कि आपके फ्लैट में नहीं रहेगी। आपको एडनाइज स्लाइडिंग विंडो देखने को मिलती है आपके फ्लैट में, फ्रेंच विंडो टाइप में रहेगी। एंड जब आप पैसेज से एंटर करते हैं अपने फ्लैट में, आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको बाथरूम देखने को मिलता है। बाथरूम में आपको सारी फिटिंग्स ऑलमोस्ट सेम मिल जाती हैं, इवन टाइल वर्क आप देख सकते हैं। हाइट तक किया गया है, एक ऐसी हाइट तक किया गया है ताकि आपका पेंट कभी ख़राब ना हो। सो, आपको टाइल वर्क अच्छा मिल जाता है आपके बाथरूम में। आपको फिटिंग्स ऑलमोस्ट अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है, सारी आपको क्वालिटी फिटिंग्स देखने को मिलती है जेपी नॉर्थ के थ्रू। जब बात करते हैं किचन की, तो आपको 2 granite के प्लेटफॉर्म्स विद अ स्टेनलेस स्टील सिंक के साथ में आपको ये चीज़ दी जाती है। बात करें आपकी कैबिनेट्स की या फिर अदर मॉड्यूलर चीज़ों की, तो ये आपको फ्लैट के साथ में नहीं मिलता है। अनफर्निश्ड किचन आपको मिलेगा एंड इवन हर चीज़ के लिए आपको जगह मिलेगी। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सारी चीज़ें रखने के लिए आपको जगह मिल जाती है उसमें। एंड जब आप अपने मास्टर बेडरूम में एंटर करते हो दोस्तों, तो मास्टर बेडरूम की खासियत ये होती है कि मास्टर बेडरूम में आपको एक बाथरूम मिलता है। सो दिस बाथरूम साइज विल बी द सेम एज यू हैव सीन इन योर हॉल। सो इसमें भी फिटिंग आपको सेम मिल जाएगी, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको कहीं नहीं दिखेगा पूरे फ्लैट में। आपको इस सैम्पल फ्लैट में एक ही चीज़ है जो आपके फ्लैट से थोड़ी अलग है, वो है आपकी बालकनी। बालकनी आपको फ्लैट में नहीं मिलती है, आपको सिर्फ आपके फ्लैट में एक विंडो देखने को मिलती है जिसे फ्रेंच विंडो कह सकते हैं। एंड आप किंग साइज़ का अपना बेड लगा सकते हैं आपके बेडरूम में एंड इवन आपको वार्डरोब की एक अलग से स्पेस मिलती है। सो आपकी जो मूविंग स्पेस है वो यूटिलाइज नहीं होती है। सो दैट इज़ द प्लस पॉइंट इन दिस फ्लैट एंड दिस वॉज ऑल योर फ्लैट। ओके, ऐसा कुछ आपका एलिवेशन रहेगा, अंदर से आपका फ्लैट कुछ इस तरह से रहेगा। एंड बात करें दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, आपको फ्लैट मिल गया, आपको बिल्डिंग मिल गई, सारी चीज़ें अच्छी है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्राइस। द प्राइस ऑफ अ फ्लैट is approx 62 to 63 lakhs. It depends on your timing, like when you are going to book, कब बुक कर रहे हैं, कैसे बुक कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। बट 62 to 63 lakhs तक आपको फ्लैट्स के क्लोजिंग मिलते हैं।
एंड उसके अलावा बात करें 395 एंड 400 का कारपेट एरिया, रेरा कारपेट एरिया है, आपको कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं मिलेगा। फ्लैट में या फिर किसी भी चीज़ में आपको डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आई हेल्प यू विद दैट इन्फॉर्मेशन। एंड उसके अलावा कुछ भी आपको पूछना है आप मुझे कॉल करिए, आई डेफिनेटली हेल्प यू विद दैट इन्फॉर्मेशन। अगर इवन इफ़ यू आर बाइंग अ फ्लैट विद समवन एल्स, इफ़ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आई डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू विद दैट। ओके एंड टेक केयर गाइज, बाय बाय।